उपचुनाव में ओवैसी की एंट्री, सपा बीएसपी का खेल बिगाड़ेंगे, टेंशन में अखिलेश मायावती, दो सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ बागीशा पांडे। यूपी उपचुनाव में अब खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी ने एक बार फिर से एंट्री ले ली है। अगर अखिलेश, राहुल और सभी विपक्षियों को टेंशन देनी है तो ओवैसी अकेले ही काफी है और ये देखकर बीजेपी तो बहुत खुश होती है। यूपी उपचुनाव 9 सीटों पर होगा, ऐसे में ओवैसी ने अपनी 2 सीटों पर अपने खिलाड़ी उतार दिए हैं, मीरापुर और कुंदर की सीट पर। यहाँ पर ओवैसी ने अपने रक्षक उतार कर सपा बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। एम फैक्टर, कौन किस पर भारी? ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो उधर अखिलेश और मायावती ने भी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार कर दाव खेला है और अब ओवैसी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर एक नई जंग को न्योता दिया है। मीरापुर से सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बल राणा को प्रत्याशी बनाया है, तो बसपा ने शाहनजर पर दाव लगाया है, तो वहीं ओवैसी ने अब अर्शद राणा को चुनावी मैदान में उतार दिया है और आसपा ने जाहिद हुसैन को उतारा है। तो ऐसे में यहाँ पर लड़ाई है मुस्लिम बनाम मुस्लिम की, अभी इंतजार है बीजेपी के कैंडिडेट का। मीरापुर सीट पर मुस्लिम वोटों की लड़ाई, यूपी उपचुनाव में मीरापुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। 4 दल जिसने मीरापुर से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी और ओवैसी है। ऐसे में बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन है। मीरापुर में किसी हिंदू चेहरे को यदि आरएलडी उतारती है, बीजेपी उतारती है, तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। कुदरती की लड़ाई मुस्लिमों पर आई, कुंदरकी सीट जहां ओवैसी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद वारिस को उतारा है, तो बसपा ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया है और आजाद समाज पार्टी ने हाजी चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सपा का अभी यहां पर पैच उलझा हुआ है और बीजेपी भी अभी यहां पर विचार कर रही है कुंदरकी सीट पर। ऐसे में लड़ाई अभी तक मुस्लिम बनाम मुस्लिम की ही बनी हुई है। बटेंगे मुस्लिम वोट तो बिगड़ेगा खेल। जब 4 दलों ने अपने प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं तो खेल तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि वोट बचेंगे और मुस्लिम वोट बटोरने में हर कोई यहां पर माहिर है। मीरापुर में 35% लगभग मुस्लिम वोट बैंक है और कुंदरकी में लगभग 50% मुस्लिम वोट बैंक है और ऐसे में नेता बनाने में यहां पर अहम भूमिका निभाते हैं मुस्लिम वोट बैंक। ओवैसी बिगाड़ेंगे सभी का खेल। ओवैसी के आते ही अपने आप को मुस्लिम प्रेमी बोलने वाले नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जब बात आती है ओवैसी की तो एक विशेष समुदाय अपने ही नेता ओवैसी पर भरोसा करते हैं और ऐसे में इन दोनों सीटों पर अगर जनाधार दिला सकते हैं सपा और बसपा को, तो मुस्लिम समुदाय के लोग। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा संदेश वोट बैंक के अंदर दिया है, हिंदू वोट बैंक के अंदर, कि बटोगे तो कटोगे वाला संदेश देकर हिंदुओं का माइंड सेट कर दिया है। तो सपा बसपा को जनाधार देने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ओवैसी ने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर उपचुनाव में मीरापुर और कुंदरकी एक ऐसी सीट बन गई है जहाँ पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई है और जब ओवैसी ने दोनों सीटों पर एंट्री की है तो यहाँ पर सपा और बसपा का खेल बिगड़ना तो लाजमी ही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक तो बढ़ जाएंगे और हिंदुओं का माइंडसेट तो बीजेपी ने पहले से ही किया हुआ है, जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा हरियाणा चुनाव में भी काम आया, महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ को उतार दिया है और बिहार उपचुनाव में भी हिंदुओं का माइंडसेट किया गया, हिंदुओं के मन में ये डाला गया और ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिया है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के माइंड को तो सेट कर दिया, लेकिन मुस्लिमों की लड़ाई में अब सपा बसपा ओवैसी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेंशन बड़ी है सपा की और बसपा की। तो अब देखने वाली बात होगी कि मीरापुर और कुंदरकी सीट पर क्या होता है, कौन जीतता है बिहार उपचुनाव की ये दोनों सीटें, ये देखने वाली बात होगी। यदि आपको भी लगता है कि ओवैसी सपा और बसपा की टेंशन बढ़ा सकते हैं तो कमेंट कीजिए इस वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।